नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम अभिजीत किशोर फ्रॉम मदरसा कन्वेंट स्कूल पचरुखिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास 10th साइंस चैप्टर। चैप्टर है हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, दैट इज रिस्पेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको पता है कि अगर हम चाहते हैं कि जिंदा रहे, चाहे मैं अपना बात करूं, चाहे कोई लोअर ऑर्गेनिज्म का बात करें, चाहे कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे प्लांट की बात करें, हर किसी को सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना करना पड़ता है, जिसे रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें एक लड़का दिखाया गया है जो कि एरो का मतलब है एयर को इनहेल कर रहा है। क्या कर रहा है? एयर को इनहेल कर रहा है। जैसे एयर को इनहेल करता है, ऐसे ही कुछ एयर बाहर भी एक्जेल होता है। मतलब ये एयर इनहेल करना, एक्जेल करना एयर, और काफ़ी सारे इस पर प्रोसेस इन्वॉल्व है। मतलब एट द एब्सर्व आप कह सकते हैं, जैसे हमने एयर ली, उसका क्या किया, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, और फिर कुछ एयर हमने एक्जेल भी की, दिस इज वाट इज रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं कि एक नेसेसरी कंडीशन है हमारे प्लांट्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबके सर्वाइवल के लिए। सो वी आर गोइंग टू स्टडी, देन यू कैन से दी मोस्ट नेसेसरी दिस थिंग्स द प्रोसेस दैट इज वी रिस्पायरेशन। इन दिस चैप्टर वी विल कवरिंग डिफरेंट टॉपिक दैट इज रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग वर्सेस रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, डिफरेंट मोड ऑफ रिस्पिरेशन, करेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पिरेशन ऑर्गन्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, सेलुलर रिस्पिरेशन, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, प्लांट रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेटिक वर्सेस रिस्पिरेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं कि रिस्पिरेशन होता क्या है, राइट? तो व्हाट इज एक्चुअली रिस्पिरेशन? जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, और हम थोड़ा बहुत डिस्कस अभी कर चुके हैं प्रीवियस लाइन में, कि हम सबको जिंदा रहने के लिए रिस्पायर करना पड़ता है। ठीक है, अब रिस्पायर का मतलब, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, दिस गर्ल इज हेल्पिंग इन समथिंग, एज यू कैन नॉट सी एनी थिंग्स, ऑब्वियसली इट इज एयर। अब ऐसा नहीं है, जैसे आपको पता है कि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होता है, एयर इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। सारी गैसेज हम रिस्पिरेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, एयर के अंदर से हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन इज गोइंग इनसाइड द कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली यू कैन से इज ब्रीथिंग, इज नॉट एक्चुअली रिस्पिरेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन दैट इज ब्रीथिंग। मतलब कोई गैस इनहेल करना और कोई गैस एक्सहेल करना, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। जब रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप अभी ब्रीथिंग पढ़ा, तो ब्रीथिंग के अंदर हमने क्या देखा कि आपने ऑक्सीजन इनहेल की और CO2 एक्सहेल करी, लेकिन इस ऑक्सीजन को क्या करने वाले हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ यूज होगा, कैसे CO2 आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा, कैसे आपके बॉडी में आई, आप कह सकते हैं कैसे रिलीज किया, दिस इज व्हाट एक्चुअली इज इंस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है एक बहुत वाइड कंसेप्ट है, ठीक है, पर अभी हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ पर चलते हैं। तो अभी हम सिर्फ इतना ही बात करते हैं कि सर्वाइव करने के लिए ब्रीथ करना हमें बहुत ज़रूरी है, और जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं। ठीक है, कहने में ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन काफ़ी कुछ सिमिलर लगता है। मतलब अगर आप किसी से बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं ब्रीथ कर रहे हैं, रिस्पायर कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन को हम एक ही तरह यूज करते हैं, राइट? बट एक्चुअली ब्रीदिंग जो है और रिस्पिरेशन का ही पार्ट है, और रिस्पिरेशन और काफ़ी वाइड कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ब्रीदिंग भी आता है और कुछ एक्टिविटीज और भी आता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन जो कि हम एक सिनोनिम्स की तरह लगते हैं,
एक्चुअली उनके अंदर क्या डिफरेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंट है, तो हम इसे जानते हैं सो दैट कल को आप किससे बात करें तो यू शुड नो दैट व्हाट इज एक्चुअली एक्चुअली ब्रीदिंग एंड व्हाट एक्चुअली इन रिस्पिरेशन। अब आप इस फिगर में देखिए, दिस बाय इन इनहेलिंग एंड गिविंग आउट सम अदर एयर, राइट। जैसे हमने पढ़ सके हैं अभी O2 इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट कर रहे हैं, एक्जिल कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब ये ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आया, आकर आप देखें कि ब्लैंक ब्लड के अंदर गया, ब्लड के अंदर बॉडी सेल के अंदर गया, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और ये यहाँ से आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं रेस्पिरेटेड गैस के पार्ट में आ रहा है और फिर हम इसको रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब रेस्पिरेशन के अंदर हम सब कुछ नोटिस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से आई, कहाँ से कहाँ फ्लो कर गई, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बना, कहाँ से कहाँ गिवन आउट हुआ। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज रेस्पिरेशन। सो देखते हैं हम एक्चुअल में डिफरेंट होता क्या है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। देखिए जो ब्रीदिंग जो होता है, इट इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब O2 इनहेल करना और CO2 एक्सहेल करना। लेकिन जो रेस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन इनहेल भी कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। आपको पता है कि हमारे बॉडी में हर सेल के पास एब्जर्ब फूड होता है, और फूड हम खाते क्यों हैं, एनर्जी के लिए। पर ऐसे थोड़े ना कि फूड हर सेल के पास अपने आप एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता, हमें फूड को तोड़ना पड़ता है। इस तोड़ने को, इस ब्रेक डाउन को हम क्या बुलाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैसे होता है, ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट करता है, फूड को तोड़ता है, जैसे कि क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी, जो कि हम सबको चाहिए हर एक्टिविटी को करने के लिए। एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। तो ये होता है एग्जैक्टली रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेना, फूड का ब्रेक डाउन करना, उससे एनर्जी और CO2 प्रोड्यूस करना, एनर्जी को यूज कर लेना और CO2 को रिलीज कर लेना। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, सिर्फ गैसेस एक्सचेंज, जो गैस जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कहाँ जा रही है, जहाँ पर कम है, लाइक O2 इज मोर आउटसाइड एज कम्पेयर टू इनसाइड आवर बॉडी। सो O2 आप देख सकते हैं, लाइक वाइज CO2 इज मोर इनसाइड लेस आउटसाइड, इट्स मोस्ट आउटसाइड, आप देख सकते हैं। सो इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, बट रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज फिजियोकेमिकल प्रोसेस, मतलब एक फिजिकल मूवमेंट भी एक गैसेज के एक्सचेंज कर रहा है। और आपने देखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब एक केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, इसको हम फिजिको केमिकल बायोकेमिकल दोनों वर्सेज कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तरह का प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल एक्सचेंज एज वेल एज केमिकल ओके रिएक्शन। ब्रीदिंग से कोई एनर्जी नहीं मिलती हमें, O2 हम लेते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं, तो वहाँ पर कोई एनर्जी का रोल ही नहीं है। लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एज यू सीन दैट यू विल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एनर्जी इज बिंग टू प्रोड्यूस। सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ब्रीदिंग के अंदर कुछ एंजाइम्स कन्वर्ट नहीं रहता है, लेकिन रेस्पिरेशन में जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होता है। आप समझते हैं एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स, कुछ फैट से बने हुए सिक्रेशन जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और कुछ रिएक्शन को कराने में काम करते हैं। तो अभी के लिए आपको इतना जानना है सिर्फ कि रेस्पिरेशन में एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ब्रीदिंग में ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब हमने ब्रीदिंग पढ़ी तो हमने उसमें कोई सेल का कुछ रोल नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा कि सेल का कोई एक्टिविटी हो रहा है। लेकिन रेस्पिरेशन में ये सेल ऑफ प्रोसेस, क्योंकि आप जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है ये सेल के अंदर ही तो हो रहा है, सो इट इज ए सेलुलर प्रोसेस। सो आई थिंक यू आर फेमिलियर नाउ दैट व्हाट इज एक्चुअली ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो आप किसी से आप बात करेंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पर ब्रीदिंग यूज करना है और कहाँ पर रेस्पिरेशन यूज करना है, राइट। सो अब हमें डिफरेंट पता लग चुका है, सो इट इज स्टार्ट विथ रिस्पिरेशन, राइट। सो रिस्पिरेशन इज ए प्रोसेस जिसके अंदर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जैसे कि अभी हमने बात किया, फूड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ना, दिस इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन।
और फिर इस CO2 को गिव आउट करना, मतलब उसको एक्जिल करना। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि गैस इज बिंग इनहेल, नाउ यू नो दैट गैस इज दैट इज ऑक्सीजन। और यहाँ पर भी कोई गैस एक्सहेल हो रही, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर गया, यहाँ पर ऑक्सीजेशन अप फूड हुआ हर बॉडी सेल में, उससे प्रोड्यूस हुए कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज कर दी। इसमें आप देख पा रहे हैं इस फिगर में कुछ एरोज इस तरीके के भी, इस तरह के भी लगे हुए हैं। ये एरो अभी हम डिस्कस करेंगे कि रिस्पिरेशन ब्रीदिंग की जब हम डिटेल्स हम करेंगे तब हम इनको देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम इनहेल कर रहे हैं, जो चेस्ट है, जो चेस्ट डेविटी है उसका साइज बड़ा और यहाँ पर छोटा। तो ये हमारे बॉडी के कुछ मस्कुलर मूवमेंट है। तो ऑक्सीजन इनहेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दिस विल बी डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। तो अभी के लिए आप जान चुके हैं कि हमारा मतलब है जानना है कि रिस्पिरेशन क्या है। सो इट इज ए टेक अप ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, वन इज एरोबिक, अदर इज एनरोबिक। एक एरोबिक रिस्पिरेशन, एक एनरोबिक रिस्पिरेशन। जो लोग एरोबिक रिस्पिरेशन शो करते हैं वो कौन, उनको हम बोलते हैं एरोब्स, और जो एनरोबिक रिस्पिरेशन शो करते हैं उनको हम बोलते हैं एनरोब्स। ठीक है, इसमें भी कुछ डिफरेंस है, दोनों ही रिस्पिरेशन है बट देयर इज डिफरेंट। लेट्स सी देन व्हाट एग्जैक्टली इज डिफरेंट। देन जो एरोबिक रिस्पिरेशन है दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन मस्त है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी प्रोसेस होते हैं जो ऑक्सीजन पर ही डिपेंडेंट है। जो एरोबिक रिस्पिरेशन इज दैट दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल इन मैन, इस फिगर में भी आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप कह सकते हैं चैन के साथ रहने, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। सो दिस इज एरोबिक रिस्पिरेशन बिकॉज दे आर इनहेलिंग ऑक्सीजन। सो दैट मीन्स ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन देयर बॉडी फॉर रिस्पायरेशन। सो दे आर एक्चुअली एरोब्स क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन में एक्चुअल होता क्या है। देखिए, जो हमारे बॉडी सेल्स जो फूड है वो किस फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है वो अपने आप एक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइरोबिक एसिड। इस कन्वर्जन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब इट इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ये जो कन्वर्जन है इसको हम स्पेशल स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लेक्सिस मीन्स ब्रेकडाउन। आप देख सकते हैं जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये एक ऐसा सेल है जिसमें सब ऑर्गेनाइज प्रेजेंट है। तो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आपको ग्रीन ऑरेंज पर्पल आपको दिख रहे हैं, ये दिया, इनके बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम न्यूक्लियस की बात करें। जो फ्लूइड होता है सेल के बीच में जिसको आप क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस हर बॉडी सेल में, हर सेल में। ठीक है, सो दिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ साइटो प्लस। जैसे कि एक सिंपल से आप फिगर में आपको बताते हैं, सपोज दिस इज सेल, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है ये क्या होता है, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस। तो इसके अलावा सेल में न्यूक्लियस भी है, सेल में अलग अलग तरह के ऑर्गेनेल्स भी है, तो अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा मतलब है ग्लाइकोलिसिस का क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं। एंड दे सिंपली अकर एक कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू पाइरोबिक एसिड। और ये आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन उसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं। देख के देन दिस पाइरोबिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इंटू एनर्जी। हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो एक केमिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में होता है, केमिकल फॉर्म में। सो दिस इज केमिकल फॉर्म इज एटीपी। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो पाइरोबिक एसिड में तुलता है और फिर पाइरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कितनी एनर्जी देता है हमें, 38 ATP, मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल
38 एटीपी हमें दे रहा है मॉलिक्यूल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। जो हमारे बॉडी में एनर्जी होता है उसको हम जनरली एटीपी के नाम से बुलाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वाटर की केमिकल, वाटर द केमिकल फॉर्म इन बॉडी इन एनर्जी, आप देख सकते हैं। और इन एनी केस जब भी हमारे बॉडी में एनर्जी की बात होगी तो वो एटीपी के फॉर्म में ही होगा। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म, दिस इज आप देख सकते हैं एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। बट जनरली इसको हम एटीपी ही बोलते हैं। तो इस आप कह सकते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर एक ग्लूकोज कितने एटीपी दे रहा है, तो उतने में 38 एटीपी। तो आप देखिए काफ़ी एटीपी मिल रहा है एक ग्लूकोज को, तो उतने में। बाकी स्पीडर के अंदर आप देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लोलस, ये आपको अलग अलग ऑर्गेनाइज सेल के साइकोप्लास्ट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब सो हमारा ये कंसर्न एरोबिक रिस्पिरेशन से था, तो हमें पता होना चाहिए इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो कन्वर्जन पायरुविक एसिड 38 एटीपी CO2 और वाटर वेपर में हुआ है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसको भी स्पेसिफिक नाम दिया गया क्रेब्स साइकिल, दिस इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। और होता क्या है, इट इज अकर्स इन ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज अ सेप माइटोकॉन्ड्रिया। तभी हम माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, इट्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हुआ 38 एटीपी CO2 वाटर बनने में, तो एनर्जी एट लास्ट आपको कहाँ से मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिल रहा है। तो सेल का एक पावर हाउस जहाँ पर एनर्जी स्टोर है वो क्या हुआ, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होता है, आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है और ये ग्लूकोज 38 एटीपी दे रहा है। नाउ एनोरोबिक रिस्पिरेशन, एनोरोबिक रिस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनोरोबिक रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता है, और ये किस में होता है, लाइक इन सम बैक्टीरिया, जैसे कि आप इस फिगर देख पा रहे हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर यू गेट टू सी द एनोरोबिक रिस्पिरेशन एंड इट इज द देख सकते हैं नोन एज एनरोब्स। आप देखते हैं इसके अंदर कैसा रिस्पिरेशन होता है, इसमें जो ग्लूकोज है वो पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एरोबिक रिस्पिरेशन में होता है, और इसका भी वही नाम फिनोमिना का दैट इज ग्लाइकोलिसिस, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोबिक एसिड, और ये भी एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो एरोबिक और एनारोबिक फर्स्ट स्टेप तो सेम रहता है, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, सो फर्स्ट रिमेन से इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एट इज अकरिंग इन द एरोबिक रिस्पिरेशन, और उसके बाद ये पायरोबिक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पायरोबिक एसिड डज नॉट गेट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता, और पायरोबिक एसिड फिर किसमें कन्वर्ट होता है, इट्स गेट्स कन्वर्टेड इंटू सम केमिकल कंपाउंड, इट्स गेट्स कन्वर्टेड इंटू सम केमिकल कंपाउंड साथ में एनर्जी, एनर्जी कितना होता है, इट इज 2 ATP, वन ग्लूकोज ओनली 2 ATP एंड एरोबिक रिस्पिरेशन और साथ में वाटर वेपर। और ये केमिकल कंपाउंड क्या होता है वो डिपेंड करता है कि ये एनरोबिक रिस्पिरेशन कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्रेब्स साइकिल हम नहीं बुलाते हैं, जैसे कि आप एरोबिक रिस्पिरेशन में आप बुलाते थे, इसको हमने कुछ ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है, इट इज जस्ट कन्वर्टेड पायरोबिक एसिड इनटू सम केमिकल कंपाउंड 2 ATP एंड वाटर वेपर एंड इट डिपेंड दैट ग्लाइकोलाइक नेचर इन द, आप देख सकते हैं फिगर आपको यहाँ पर सेल की दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है, और आप जानते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग फंक्शन रहता है, तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा कंसर्न सेल के ऑर्गेनिज से नहीं है। अगर हम देखें कि एनारोबिक रिस्पिरेशन का कहाँ पर होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, मतलब उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस तो होता ही है, कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के अब्सेंस में पायरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और हम जब एक्सरसाइज करते हैं ऑक्सीजन हमारे सेल्स में नहीं होता मिल पाता है, तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है केमिकल कंपाउंड कौन सा, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP एंड वाटर वेपर,
अब ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे मसल्स में, ये कहाँ जाता है, इसका फैट क्या है? इट एक्चुअली गोज लीवर एंड गेट स्टोर, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल हो गया एनरोबिक रिस्पिरेशन का, हमारा दैट इज मसल्स इन अपर बॉडी देन एक्सरसाइज बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट्स क्या बने? लैक्टिक एसिड, टू एटीपीज एंड वाटर। अब इसके अंदर देखिए ग्लूकोज सिर्फ 2 ATP का मॉलिक्यूल्स दे रहा है, जबकि एरोबिक के अंदर 1 ग्लूकोज 38 ATP दे रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि कोई सी कौन सी रिस्पिरेशन एफिशिएंट है, बेहतर है, जिसमें एनर्जी मिले वही बेहतर होगा। सो एरोबिक रिस्पिरेशन फार बेटर देन एनरोबिक बिकॉज वी कैन गेट 38 ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही एनरोबिक रिस्पिरेशन और भी कई जगह पर होता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ ब्यूरिज। ब्यूरिज के अंदर जहाँ पर आर्मिन्स बनता है, जब वाइल्स बिस्की बनता है, आप कह सकते हैं वहाँ पर प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। क्या प्रोसेस होता है? फर्मेंटेशन। और वहाँ पर ये एनरोबिक रिस्पिरेशन होता है, ठीक है? मतलब बैक्टीरियाज, आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम जनरली यूज करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम एनरोबिक रिस्पायर करते हैं और उनसे क्या बनता है, मेन कंसिक्वेंट ऑफ हाइड्रिंक्स दैट इज इथेनॉल। तो वहाँ पर भी ग्लूकोज पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। उसी तरह से जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, द सेम प्रोसेस इज अकरिंग हियर आल्सो। और फिर पाइरूविक एसिड ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनाता है इथेनॉल, 2 ATP एंड टू एंड वाटर। और इस प्रोसेस को हम स्पेसिफिक लिस्ट फिनोमेनन को बोलते हैं फर्मेंटेशन। अगर आपको जनरली पूछे कि फर्मेंटेशन का क्या मतलब है, इट इज जस्ट ए कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इंटू सिंगल सिंपल सब्सटेंस। एक कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तू जाना कैसे, बाई एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स कहाँ से आया, दे आर रिलीज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज व्हाट फर्मेंटेशन। और यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे आर रिस्पायरिंग एनएरोबिक, सो दिस इज व्हाट एनएरोबिक रिस्पिरेशन। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, वाई डू वी फील फैटिग ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें फैटिग, मतलब हमें कहीं ज़्यादा थकान क्यों होता है हमें एक्सरसाइज करने के बाद। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, वी आर लाइक ऑब्जर्विंग इन दिस फिगर, और आप देख पा रहे कोई स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज कर रहा है, एक्सरसाइज के लिए रनिंग कर सकते हैं आप कह सकते हैं ये एक्सरसाइज, बस जो भी कर रहा है कर रही है आप देख पाए, जिसके अंदर आपको बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बहुत एनर्जी लगाना पड़ रहा है, बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है? तो हमें ये देखा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स एनरोबिक रिस्पायर करती है। यू नो हमने पहले भी बात किया है जो हमें बॉडी की मसल्स है जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता, सो दे रिस्पायर एनरोबिक। मतलब वहाँ पर 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के लैक्टिक एसिड, 2 ATP और वाटर वेपर बना लेता है। ये तो क्लियर है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज व्हाट इज मेंटेन हियर, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर मसल शो एनरोबिक रिस्पिरेशन, दस एनर्जी प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज ओनली 2 ATP एंड रेस्ट इन लैक्टिक एसिड, ठीक है? अब एनर्जी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 ग्लूकोज समय कितना मिल रहा है, 2 ATP, लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट इज पॉइंट हाई, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो उस टाइम क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज टूटने लगेगा, ताकि 1 ग्लूकोज का ग्लूकोज टूटा ऐसे और टूटा, सो दैट कि वो एनर्जी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, एनर्जी डिमांड को मीट कर पाए। तो तभी तो मीट करेगा जब एनर्जी ज़्यादा होगी, और 1 ग्लूकोज सिर्फ लो एक्टिविटी जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को टूटना पड़ेगा ताकि आपकी एनर्जी को फुलफिल कर पाए। लेकिन एनर्जी के साथ साथ इनका ग्लूकोज टूटेगा तो काफ़ी ज़्यादा लैक्टिक एसिड भी बन जाएगा। ये जो लैक्टिक एसिड है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है कि कुछ टाइम के लिए हमारे मसल्स में इकट्ठा हो जाएगा। अब जो ये मसल्स में हमारा लैक्टिक एसिड इतना इकट्ठा हो जाएगा तो हमें एक भारीपन सा लगेगा, मतलब वी विल फील फैटी, मतलब हमें थकान महसूस होगा। उसके बाद उसे हमें रेस्ट करना पड़ेगा, जब हम रेस्ट करते हैं उसके बाद एक नॉर्मल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में एक आप कह सकते हैं जो रिस्पिरेशन का रेट है तो वो नॉर्मल हो जाता है, और जो लैक्टिक एसिड बना है
वो लीवर पर धीरे धीरे जाने लगता है और फिर आप कह सकते हैं बैलेंस स्टेब्लिश हो जाता है, इनका लैक्टिक एसिड बन रहा है, साथ ही साथ वह लीवर भी आप देख सकते हैं। तो हम फैटिक फील नहीं करते हैं, हम नॉर्मल फील करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू विद डिफरेंट मोड ऑफ रिस्पिरेशन। जैसे कि अब हम पढ़ चुके हैं सब कुछ रिस्पिरेशन के बारे में, टाइप पढ़ चुके हैं उसका, तो इसी तरह से ये रिस्पिरेशन करने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स में रिस्पिरेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन तरीका कि हम रिस्पायर कैसे करें, कौन से ऑर्गन से हमारे अंदर हो ऐसे होगा, तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन उसका टाइप तो भी अलग अलग होता है, तो उस पर डिपेंड करके हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म रिस्पिरेशन स्किन से भी कर रहे हैं, जैसे अपने स्किन का यूज कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमीबा देख पा रहे हैं आप। अमीबा के अंदर कोई रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, आपको पता है अमीबा इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इनमें कोई सिस्टम नहीं है जैसे कि हमारे बॉडी में होता है। तो इसमें जो रिस्पिरेशन होता है वो सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू ही होता है, ऑक्सीजन लेना, CO2 देना, इट अकर टू दिस मेम्ब्रेन, इसको हम बोल देते हैं कि रिस्पिरेशन अकर थ्रू मेम्ब्रेन। जो रिस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है उसका स्पेशल नाम दिया जाता है उस मोड को क्यूटिक्यूलर रिस्पिरेशन। तो क्यूटिक्यूलर रिस्पिरेशन दैट इज ए रिस्पिरेशन दैट अकर थ्रू स्किन, और ये मोस्टली किस पर होती है, लोअर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी उतनी हेल्प नहीं होती, जिनकी बॉडी में उतने आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब जब आप ये पढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आएगा कि स्किन को हमारे पास भी है, बट आई क्यों, तो हमारे पास स्किन है लेकिन स्किन के ऊपर हम स्किन से इसलिए रिस्पायर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे स्किन पर के ऊपर एक लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। हर स्किन के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। अब हमारी जो क्यूटिकल वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, तो इसलिए ठीक है क्योंकि हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, तो वी कैन नॉट यू कैन से कि जो हमारे में वाटर लॉस वॉसिज एक्सेस हो, तो वी प्रिवेंट द एक्सेस वाटर लॉस बाई बर्थ, हमारे जो क्यूटिकल है काफ़ी ज़्यादा ठीक है, तो इस वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता, राइट। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनकी क्यूटिकल उनकी ठीक नहीं है, थीन है, थीन होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज इजीली हो जाता है। देन यू कैन सी वन मोड ऑफ रिस्पिरेशन थ्रू ऑक्सीजन विच इज कॉल्ड क्यूटिकुलर लोअर ऑर्गेनिज्म रिस्पायर थ्रू दिस मेथड वी कान नाउ यू आर फेमिलियर। ऐसे ही हमारा दूसरा मोड है थ्रू गिल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, मतलब जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो उनके अंदर रिस्पिरेटरी ऑर्गन यूज हुआ हुआ है, वो रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स। आप जानते हैं, आप फेमिलियर हो, जूनियर क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि गिल्स किसके अंदर, आप फिश के अंदर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, फिश के दीज आर गिल्स, तो आप देख सकते हैं, तो फिशेज गिल्स से रिस्पायर करती है। जो भी आई गिल्स से रिस्पायर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेनिकल रिस्पायरेशन। सो सिंपल सी बात है, स्किन वाले क्यूटिकल हो गया, किल वाले क्या हो गया, अब देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट अदर तरह का मोड है, वो क्या है, थ्रू ट्रेचिया। ट्रेकिया भी एक रिस्पिरेटरी आर्गन है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ग्रास ऊपर के अंदर ये ट्यूब देख रहे हैं, ये स्पेरिकल्स, ये डाइनिंग ओपनिंग से कार्य कर रहा है, लेकिन ये जो लिफ्ट ट्यूब में कर रही है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या बोला, ट्रेकियल सिस्टम। मीन्स रिस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पर ट्रेकिया के थ्रू। तो जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रास ऊपर की तरह जैसे ट्रेकिया से रिस्पायर करते हैं, उस रिस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रेकियल रिस्पिरेशन। मतलब ट्रेकियल भी एक रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकता है। एनदर इज थ्रू लंग्स। जैसे कि हम लाइकली रिस्पिरेशन तो आपको पता है, बहुत सारे एनिमल्स हमारे अंदर रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, लंग्स। तो जो ऑर्गेनिज्म लाइक अस, दिस इज ए फिगर ऑफ मैन, देन यू कैन सी दैट टेकन इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट CO2, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो जहाँ भी लंग्स एक रिस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह ऐड करता है, उस रिस्पिरेशन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, पल्मोनरी रिस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिस्पिरेशन। तो ये हमारे डिफरेंट मोड्स हैं, जैसे कि आपने पढ़े कि किस किस तरह से, किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म कौन कौन से रिस्पिरेटरी ऑर्गन हैं जिसके को यूज करें रिस्पिरेशन के लिए, ठीक है।
तो बहुत सारे रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि थोड़ा सा समर कर लेते हैं, हम स्किन के थ्रू भी पढ़ा कुछ, इंस्पायर करते हैं गिल्स के द्वारा, हम आल्सो रिस्पेक्टरी ऑर्गन, ट्रेकिया कैन बी रिस्पेक्टरी ऑर्गन राइट, लाइकवाइज लाइकवाइज लंग्स रिस्पेक्टरी ऑर्गन्स। तो ऐसे जो भी रिस्पेक्टरी ऑर्गन्स हैं इनके अंदर कुछ तो ऐसा स्पेशल फीचर होता होगा कि ये रिस्पेक्टरी ऑर्गन्स की तरह एक्ट करते हैं, तो वो स्पेशल फीचर, तो वो स्पेशल करेक्टरिस्टिक क्या है वो हम पढ़ते हैं। सो दिस स्पेशल करेक्टरिस्टिक टेक प्लेस आर यू कैन से इन द प्रेजेंट ऑफ ऑर्गन विच मेक ए फंक्शन एज ए रिस्पेक्टरी ऑर्गन्स, दैट इज इट मस्ट बी मॉइस्ट, वो उस पर थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब भी कहीं पर भी मॉइस्चर होता है तो गैसेज का डिफ्यूजन काफ़ी अच्छा होता है। इट शुड बी थीन, मतलब उसका जो सेल सरफेस या सेल मेम्ब्रेन हो वो थीन हो, क्योंकि कोई भी चीज़ पतली होगी तो उसमें से गैसेस एक्सचेंज अच्छा, और यही कोई चीज़ आप अगर मोती बना दे उसमें से गैसेस एक्सचेंज उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन शुड बी थिन, इट शुड बी हैव लार्ज सरफेस एरिया। ऑब्वियसली अगर किसी के सरफेस एरिया इतना ही और इतना है तो गैस एक्सचेंज तो ज़्यादा होगा, तो रेस्पिरेटरी आर्गन ज़्यादा, मतलब उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा CO2 रिमूव करना है, सो दे नीड टू लार्ज सर्फेस एरिया। तो ये भी एक इसेंशियल फीचर है। इट शुड बी हाईली वास्कुलर, वास्कुलर का मतलब क्या है, वास्कुलर का मतलब है दे शुड हैव हाई ब्लड सप्लाई, उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी अच्छी हो। जानते हैं कैसे, देखते हैं कैसे, फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेजल्स है और इसके अंदर ब्लड है, तो जितनी ज़्यादा ब्लड वेजल्स और या ब्लड होगा, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर आई उतनी जल्दी तो ब्लड ले जाएगा, अगर कम वेसल्स या कम ब्लड होगा तो ऑक्सीजन भी कम जाएगा, अगर आगे जाएगा तो बाहर से भी कम आएगा, अगर कम जाएगा तो, कि कोई भी चीज़ कितनी अंदर होगा वो डिपेंड करता है कि कितनी कमी है हमारे अंदर, जितनी अंदर हमारे कम होगा और बाहर ज़्यादा होगा उतना ही तो मूवमेंट उसका ज़्यादा होगा। अगर वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, सपोज हमारे अंदर गए और वहाँ पर पास ही नहीं हो रहा है, वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, तो बाहर से क्यों आएगा अंदर, नहीं आएगा ना। सो हमें तो चाहिए कंटिन्यूअस एक्सचेंज गैसेस का, तो कंटिन्यूअस गैस एक्सचेंज तभी होगा जैसे कि ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और गैस आप देख सकते हैं, मतलब वहाँ पर कमी और मेंटेन, और उस कमी को पूरा करने के लिए जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से अंदर आ रहा है। सो इट्स नीड टू बी हाईली मस्कुलर, आप देख सकते हैं। देन ऐसे ही एक हमारे पास लास्ट फीचर है, इट शुड बी हाईली परमेबल, परमेबल का मतलब है गैसेज को पास करने दे अपने से, क्योंकि गैस को पास नहीं करने देगा तो गैसेज कैसे अंदर बाहर जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। सो दीज आर द फाइव यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एसेंशियल फीचर फॉर ऑर्गन टू अकर्स रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब हम स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। अब हम रिस्पिरेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, तो अब मैन के अंदर किस तरह से रिस्पिरेशन होता है उसको हम पढ़ते हैं। जो मैन है वो पल्मोनरी रिस्पिरेशन शो करता है, ये तो आपको क्लियर है इस वर्ड का मतलब, पल्मोनरी रिस्पिरेशन का मतलब है जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स, वो क्या है, लंग्स। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं तो मैन के अंदर दो लंग्स होते हैं, मतलब वन पेयर आप कह सकते हैं लंग्स का होता है इस तरीके से, इसी जगह पर चेस्ट कैविटी के अंदर या इन द लंग्स है, और ये आप देखिए ये आपके ट्रैक की तरह दिखाए हुए हैं, और गैसेज कहाँ से अंदर जा रहा है कहाँ से बाहर आ रहा है। सो दिस इज यू कैन से ओवरव्यू ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। देखिए मैन के अंदर लंग्स है, एक आपको पैसे दिखाया है कि लंग्स के थ्रू कैसे पैसे माउथ और नो की तरह गैसेज बाहर और अंदर जा रहा है, ठीक है। और हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होता क्या है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। सो यू कैन सी रेस्पिरेटरी ट्रैक इंक्लूड नोस्ट्रिल्स, एक फिगर हम अलग से बनाते हैं यहाँ पर, आपको पता है कि हमारे जो नोज है कि जो ओपनिंग है इनको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स, ठीक है। सो दीज आर नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स जो ये कैविटी के अंदर नीड कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। ऑब्वियसली नोज से एयर से जो अंदर जाती है, नोज के अंदर जो हालो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी।
दिस इज नेजल कैविटी। देन वी नीड इन टू अपेरिक्स, हमें लगता है कि हमेशा जो हमारे नोज या जो हमारा माउथ है वो कनेक्टेड, तो हमारे जो नोज के बीच वाला पार्ट है और जो माउथ के बीच वाला पार्ट है उस ट्यूबल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फैरिंग्स। आप ये देख सकते हैं, ये माउथ से आ रहा है, ये नोज से आ रहा है, दिस इज फैरिंग्स। देन इट लेंस इन टू लैरिंग्स, दिस इज लैरिंग्स। लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देन इट लेंस इन टू ट्रेकिया, ये जो कंटिन्यूशन पाइप आपको दिख रहा है जिसके अंदर आप ये देख पा रहे हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। एक फिगर हम देख सकते हैं, एक हम रब से बनाते हैं, वो फिगर आप एग्जाम में मत कीजिएगा, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। सो दिस इज मेजर नस्चर, मेजर कैविटी। देन वी हैव दिस इज माउथ इंटरकनेक्टेड, राइट। ऐसे थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं हम। सो दिस इज नोस्ट्रिल्स, वेजल कैविटीज, दिस यू कैन से जो आपको दिख पा रहा है माउथ के नीचे, दिस इज लैरिंग्स, देन ट्रेकिया। देन ट्रेकिया डिवाइड इन टू प्रोसेस, मतलब टू पार्ट, ये दो ब्रांचेज में डिवाइड है, इट इज इंटरिंग इन टू डिफरेंट लंग्स। अब ट्रेकिया के जो डिविजन हो रहा है, दिज आर ब्रोंकाई, दिज इज ब्रोंकाई, ये जो ट्यूब्स फ्रॉम अल्काई अलग अलग लंग्स में इंटर हो रहे हैं, ये आगे जा के और डिवाइड हो रहे हैं, इससे जुड़ी आप कह सकते हैं ब्रांच, आप देख सकते हैं इसके थ्री ब्रोंकियल, मतलब ब्रांचेज को हम प्राइमरी अंतरशरीर हम नाम दे रहे हैं। और फाइनली उसके बाद हमारे पास लास्ट में स्ट्रक्चर आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। तो जो हमारा जो पूरा रिस्पिरेटरी ट्रैक है उसको हम क्या सकते हैं, नोस्ट्रिल्स, उसके अंदर नेजल कैविटी, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाइल, ब्रोंकाइल्स और लंग्स। और यहाँ पर लंग्स तो हमारा आपको पता है ही, और साथ में हमारे पास इसके अंदर एक छोटे छोटे इसका जिन स्ट्रक्चर उनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। जैसे कि आप यहाँ फिगर देख पा रहे हैं, इसको हम फिगर को थोड़ा यूज करते हैं, दीज आर नोस्ट्रिल्स, विजल कैविटी हो गया, माउथ के पीछे वाला पार्ट, मुंह के पीछे वाला पार्ट जिसको हमने फैरिंग्स बुला लिया, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स हो गया, ये जो आपको लाइन्स वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्रेकिया, ट्रेकिया के आगे दो बेंचेज में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाइल, ब्रोंकोल, दोनों डिफरेंट लंग्स में डिफरेंट हो गया, ये आपके लंग्स हो गए। या फिर उसके बाद लंग्स के पास ही ये आपको बीच में आपको हार्ट प्रेजेंट होता है, लंग्स एक आप कह सकते हैं ये केज में प्रेजेंट होता है जो कि रिब्स से बना होता है। तो ये पूरा हमारा एक रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। इसके अंदर एल्वियोलाई नहीं दिखाया है, क्योंकि देखिए एल्वियोलाई कैसा होता है, जैसे कि ब्रोंकाई हो गया, इससे पहली ब्रांच प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके एक और बना लिए, फिर टर्शियरी, फिर ब्रोंकियल, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक जो होता है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बाद बाहर होती है सारे ब्लड सेल्स, यही सब देखेंगे। जो पूरी गैस आ रही है वो इन्हीं ट्यूबल से आखिर कहाँ आ रही है, एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई एक ऐसा पार्ट है जिससे कहाँ जाता है, ब्लड में, और ब्लड से CO2 कहाँ आता है, एल्वियोलाई में। तो आप कह सकते हैं एक्चुअली जो सेम होता है वो कहाँ से होता है, एल्वियोलाई। अब अभी हम ये सारा पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमारा फोकस है रिस्पिरेटरी ट्रैक पर था, आई थिंक इट इज क्लियर, दैट इज नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, लंग्स ऑब्वियसली, एंड एल्वियोलाई। थोड़ा सा और इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है नोज का, जिससे हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसको हमने क्या बोला, नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स एक कैविटी में लीड कर रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। जैसे कि ये एक हम फिगर बना लेते हैं, नोस्ट्रिल्स हो गया, ये आपका नेजल कैविटी हो गया, ये बात ठीक है। अभी जो नेजल कैविटी है इसके अंदर क्या होता है, एयर्स प्लस एक अलग तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्लिमी से सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड। जो मेजल कैविटी है उसके अंदर दो चीज़ें हो गया, एक तो हेयर्स, एक म्यूकस ग्लैंड्स। इन दोनों का फंक्शन, हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, क्लीन करना एयर को जो आप इनहेल करें, मॉइस्चर करना उसमें, थोड़ा मॉइस्चराइज करना और एयर को वार्म करना।
तो क्लीन का क्या फ़ायदा है, देखिए तो वो कुछ हार्मफुल चीज़ें इनहेल नहीं करेंगे। मॉइस्चर और हार्म का क्या फ़ायदा है, क्योंकि डिफ्यूजन और अच्छा होगा। डिफ्यूजन मतलब आप समझते हैं, मूवमेंट ऑफ गैसेज फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर। तो कोई भी गैसेज किसी जगह से और जगह तभी अच्छे से डिफ्यूज कर पाए जब वो मॉइस्ट और वार्म होगा, ठीक है। ये जो हेयर्स जो म्यूकस ग्लैंड में कैविटी, इनका जो मेन फंक्शन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर का, तो यू नीड टू एंसर दैट इज क्लीन मॉइस्चर एंड वार्म द एयर विच वी इनहेल तो ये काम रहता है, ठीक हो। तो आई थिंक क्लियर है आपको, अभी हमने डिस्कस कर चुका है। देन ऑस्टेरियो नेजल कैविटी, पैरिंग्स, लेंस एंड ट्रेकिया, ब्रोंकी, लंग्स, ये सब अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर फोकस है सिर्फ नेजल कैविटी, नेजल कैविटीज पर और म्यूकस ग्लैंड पर था। अभी देखते हैं, अभी जो कैविटी है नेजल कैविटी, ये किस में एक्सटेंड हो रही है, फेरिंग्स में। अभी हम डिस्कस कर चुके थे कि नोज के पीछे वाला पार्ट क्या है, फेरिंग्स, माउथ के पीछे वाला पार्ट भी फेरिंग्स, दो कनेक्ट होकर एक कॉमन पैसेज जो बना रहे उसको हम फेरिंग्स बोल रहे हैं। तो एयर जो नोस्टिल से इंटर हुआ, आप देख सकते हैं जो एयर जो क्लीन हुआ, मॉइस्चर हुआ, वार्म हुआ, फिर वो इस ट्यूब में एक्सटेंड हुआ जिसको आप क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स से वो एयर कहाँ पर आ गया, एक रिंग्स वाले स्ट्रक्चर में आ गई जिसको आपने क्या बोला, ट्रेकिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रेकिया का, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है आपसे टूरमार्क्स में। ये जो ट्रेकिया इन्वॉल्व, आप देखिए कि बाहरी जो बाकी सारी जो वाल्स है, लेकिन जो ट्रेकिया के हमने इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाई, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, कुछ स्पेशल तरह के राउंड राउंड रिंग्स दिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये रिंग्स का। ये जो ट्रेकिया है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये एक स्पेशल तरह रिंग्स है जो कि कार्टिलेजिनस है। इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, ये जो ट्रेकियन वाल है इसको स्टेप करते हैं, इसको स्टीप रखते हैं, ताकि वो वाल कभी भी कोलेप्स ना हो जाए जबकि यहाँ पर एयर नहीं हो। अगर ये वाल कोलेप्स होगी तो हम मर जाएंगे, ठीक है। तो इस ट्रेकियल वाल को कोलेप्स होने से बचाते हैं ये, ताकि ये स्टेप रख पाए। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं, सो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटालिजेंस रिंग्स, सो इट इज एक्ट इन दिस यू नीड टू दे कैटालिजेंस रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलैप्स को प्रिवेंट करते हैं। कोलैप्स क्या हो जाता है, जब एयर की एब्सेंस में। सो आई थिंक इज क्लियर। तो अभी तक हम एयर तक पढ़ चुके हैं, आगे भी हम देखते हैं ट्रेकिया किस में डिवाइड होता है। देन दिस ट्रेकिया डिवाइड इंटू टू पार्ट, ये जो ट्रेकिया आ रहा है इट डिवाइड इंटू टू ब्रांचेज, इन ब्रांचेज को हमने नाम दिया ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई किस में इंटर हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, दे इंटर इंटू लंग्स। ब्रोंकाइल जो लंग्स में इंटर होते हैं, दे डिवाइड फर्दर, जो उनसे फर्स्ट ब्रांच निकल रहे उसको हम प्राइमरी, जो उससे आगे जो ब्रांच निकल रहे उसको सेकेंडरी, उससे आगे जो निकल रहे उसको टर्शियरी ब्रोंकाई, और जो बहुत ही फाइनल आप कह सकते हो टर्शियरी से भी आगे ब्रांच निकल रहे और जो फाइनल ब्रांच निकल रहे उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स एक सेब जैसा स्ट्रक्चर इन हो रहा है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई या फिर एयर सैक। तो राइट, इस फिगर के अंदर मुझे लगता है कि आप पूरा फिगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, इसमें म्यूकस ग्लैंड, फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकिया लीड्स इनटू ब्रोंकाइल्स इनटू टू डिफरेंट लाइंस, आप देख सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ब्रोंक्यूल्स, फाइनल। अभी हमने जो पढ़ा जिसे फाइनल निकल रही है, आप देख सकते हैं, देयर इज लाइक दिस, देयर सो मेनी एल्विलाई। ये जो एयर्स सेक्स है आप देख पा रहे हैं, ये प्राइमरी ब्रोंकाइल्स, सेकेंडरी ब्रोंकाइल्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाइल्स। ये जो एल्विलाई है, इट इज देखिए आप सराउंडेड बाय ट्रफ ऑफ कैपिलरी, बहुत सारी कैपिलरीज के आसपास। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिलरी होने का कार्य क्या है, ताकि वो कैपिलरी जो ब्लड है, तो जितनी जल्दी ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाएगा एल्विलाई से, वो उतनी जल्दी ऑक्सीजन के कंटेक्ट कम होगा। अब एल्विलाई में ऑक्सीजन का कंटेक्ट कम होगा तो वो आगे से खींचेगा, तो इन आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली ऑक्सीजन एटमोसफेयर से हमारे अंदर इनहेल होगा, राइट।
सो एयर्स आर सराउंडेड बाई ट्रस्ट मीन्स सो मैनी कैपिलरी विच आर यूजली कंसिप्लाई, आप देख सकते हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू गेट आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स, ये जो लंग्स का आउटर कवरिंग है उसको हम स्पेशल नाम देते हैं प्लूरा, आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एज प्लूरा। और ये जो फिगर अभी आपको दिख रहा है इसके अंदर सिर्फ एक एल्वियोलाई दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, और ये आपको हम बता रहे हैं जो एल्वियोलाई है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं, जिससे अगर आप कहें कि ये एल्वियोलाइज इसके पास बहुत से ब्लड वेसल्स हैं ताकि फटाफट से गैसेज एक्सचेंज हो और बाहर से ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुँच जाए, राइट। सो आई थिंक अब आपको क्लियर है व्हाट इज स्पेसिफिक ट्रैक और कुछ चीज़ों का मेन मेन फीचर है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है, उनके अंदर वो किस तरीके से कुछ स्पेशल प्रेजेंट है जो उनके फंक्शन को और अच्छा बना रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि रिस्पिरेशन से पहले क्या होगा, ब्रीदिंग मतलब गैसेज एक्सचेंज में एक फीचर है और ऑक्सीजन से आप फूड में भी एक फीचर है। तो रिस्पिरेशन को हम दो पार्ट में पढ़ लेते हैं, पहला हम रेस्पिरेशन का फिनोमिना जो फर्स्ट स्टेप है वो ऑक्सीजन लेना हो रहा है या CO2 देना हो रहा है जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये इस तरीके से ये कैसे ऑक्सीजन अंदर जाता है कैसे CO2 बाहर आता है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए हमारे चेस्ट में एक कैविटी प्रेजेंट है, लेट से ये आपके चेस्ट हो गया, तो ये पूरा जो अंदर है वो होलो कैविटी दिख रही है सारा, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज दिस के लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्रेजेंट कैविटीज, तो हमारे चेस्ट में एक तरह से कैविटी प्रेजेंट होता है जस्ट लाइक ए केज। और ये किस चीज़ से बना हुआ है, फिगर में आप देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, दीज आर टिप्स, ये जो पीछे जो आपको दिख रहा है दिस इज बैकबोन राइट एंड मिडबुल्स एंड यू कैन सो ब्रेस्ट फूड राइट ब्रेस्ट बोन सॉरी, आपके पास जो फ्रंट में आपके पीछे ब्रेस्ट बोन है, पीछे जो आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से दो सेप जिसको आप बोलते हैं डायोफ्राम्स, क्या बोलते हैं डायोफ्राम्स। तो हमारे चेस्ट में तो एक तरह से कैविटी प्रेजेंट है विच इज जस्ट लाइक ए केज, आप देख सकते हैं रिब्स डायोफ्राम्स बैकबोन एंड एब्डोमिनल मसल्स, यहाँ पर हमारा जो लोअर होगा स्टमक आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं एब्डोमिनल मसल्स भी इसके अंदर फंक्शन आप देख सकते हैं। हमारी चेस्ट में एक कैविटी प्रेजेंट है, लेट से ये आपकी चेस्ट हो गई, तो ये जो पूरा अंदर आपको एक हेलो कैविटी देख रही है ये सारी दिस कैविटी इज का दिस के लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यू कैन सी, तो हमारे चेस्ट में इट इज जस्ट लाइक ए केज, इसको हमने बोल दिया आपसे आपसे पहले ही पढ़ा दिया, आप फिगर में आप देख पा रहे हैं आप किस किस से बने होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है टिप्स आप देख सकते हैं, एक बार आप रिपीट कर लें, रिपीट हो रहा है दिस इज मिड बोन आर यू कैन से ब्रेस्ट बोन राइट। तो आपके पास आपके फ्रंट में वेब्स आपके पीछे बैक बोन आप देख सकते हैं, और नीचे आपके पास एक ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह का जिसको आप बोलते हैं डायाफ्राम, क्या बोलते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डायाफ्राम्स। तो हमारे चेस्ट में थ्रोसी कैविटी प्रेजेंट होती है विद जस्ट लाइक ए केज, वो किसे बनी हुई है रिब्स डायफ्राम्स बैक्सबोन एंड एब्डोमिनल मसल्स, यहाँ पर जो हमारा लोअर स्टमक आ जाता है उसको क्या बोलते हैं एब्डोमिनल, हम देख सकते हैं कैसे फंक्शन करता है ये। अब जब इंस्पिरेशन कर रहे हैं, इंस्पिरेशन का मतलब एनिमेशन से है, जब आप इंस्पिरेशन कर से या आप बोल सकते हैं जब इनहेल कर रहे हो, तो हम देखते हैं कि क्या क्या आप कह सकते हैं हमारे चेस्ट कैविटी में कैसे चेंज होती है, मैंने आपको ये बता दिया है पहले, आप एक बार देख सकते हैं एक बार बैक देख सकते हैं एक बार आपको समरी करा दे रहे हैं आप देख सकते हैं। देखिए फिगर देखने से आपको ये पता लग रहा है चेस्ट देखने से कि चेस्ट वो क्या चीज हो रही है, वो रिब्स, रिब्स जब आप इंस्पायर करते हैं दे आर फुल फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, आप करके देखिए एक बार सांस लीजिए जो से सांस लेंगे जब आप लेंगे तो जो ऐसा प्रतीत होगा दे आर फुल फल फॉरवर्ड अपवर्ड, आपको ऐसा फील होगा कि चेस्ट में ही कि कुछ चीज जैसे आप इनहेल करके रोके सांस तो आपको लगेगा
कि आपके स्टमक्स और आपके चेस्ट के बीच में कोई ऐसी चीज है जहां पर आपको प्रेशर फील हो रहा है, वो क्या है आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होता है डोम शेप होता है इस तरीके का, लेकिन जब आप इससे इनहेल करते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है। तो आप देखो क्या होता है, वो फ्लैट हो जाता है। तो अब एब्डोमिनल मसल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट। और एक बार और दोबारा सांस लेकर देखा, अब जब आप उसको ऐसे सांस लेते हो, आप उसको होल्ड कर, जब आप उसको इनहेल करके रुक जाते हो, तो आपको लग रहा है कि आपके चेस्ट आगे की तरफ आ रही है, चेस्ट के नीचे कोई चीज फ्लैट हो रही है, और ज्यादा देर तक आप ब्रेथ को होल्ड नहीं कर सकते। आप इनहेल करके आप काफी देर तक रोक सकते हो, नहीं, आपके जो लोअर स्टोमक है जो कि आप डाउन कहते हैं, वहां की मसल कंट्रैक्ट कर रही है। और कोई भी मसल्स आप कंट्रैक्ट करती है तो वो ज्यादा देर तक उनको कंट्रैक्ट पर नहीं रख सकते, हमें पेन होने लगता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्पैन। अब इसके कारण क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं, डायफ्राम नीचे आ गया, तो कैविटी का साइज बढ़ जाता है, कैविटी का साइज बढ़ जाता है। जब कैविटी का साइज बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। कोई भी चीज छोटी है तो वहां प्रेशर ज्यादा है, अगर कोई चीज ज्यादा होगी तो प्रेशर खत्म हो जाएगा। पर बाहर एयर का प्रेशर क्या है, हाई। इसलिए एयर जो कि पार्टिकुलरली एयर में से ऑक्सीजन गैस है, वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर मूव हो जाता है। समझ गए आप, देख सकते हैं आपका जो डब्ल्यूमर मसल से कंटेक्ट हो गया, डायाफ्राम नीचे चला गया, तो उससे कैविटी का साइज इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, बट आउटसाइड द प्रेशर इज क्वाइट हाई, सो इट मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दिस इज व्हाट इनहेलेशन। मतलब आपने इंस्पायर कर लिया, अपने सांस अंदर ले लिया, ठीक है। ये से देखिए आपको स्पीकर में दिखाया भी है, ये इनहेल कर रहा है, देख सकते हैं आप वेव्स बाहर की तरफ आ रही है। व्हाइट वाला पोर्शन दिखाया गया है, ये कितना एक्सटेंड हो गया, डायफ्राम फ्लैप्ड हो गया, कैविटी की साइज क्या हो गया इंक्रीज, और प्रेशर वो ऑफ ऑक्सीजन विद डिक्रीज, लेकिन बाहर प्रेशर क्या है, ज़्यादा। कोई भी गैस कहाँ से ऊपर है, जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर हो वहाँ से जहाँ पर कम प्रेशर हो, इसलिए इनहेल कर लेते हैं हम। दूसरा फिगर है आपका एक्जिलेशन का, उसको देखते हैं आगे। जब आप एक्सपायर करते हैं, मतलब आप जब एक्जेल करते हैं, ठीक है, आप इसके एक्जिलेशन भी बोल सकते हैं, आप इसको इंस्पायरेशन भी बुला सकते हैं, एक्जिलेशन भी बोल सकते हैं। जब हम एक्जेल करते हैं, करके देखिए एक बार सांस छोड़िए, जब आप ऐसे सांस छोड़ेंगे तो आपको लगेगा जो रिब्स है वो आपस से अपने ओरिजिनल पोजिशन पर आ गया, आप कंफर्टेबल हो गए। डायाफ्राम क्योंकि वो दोबारा से इस तरीके से डोम शेप्ड हो गया, और मसल जो कंट्रैक्ट थी वो रिलैक्स हो गया, अब तभी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, एक्जेल के टाइम क्या हो रहा है, डायाफ्राम दोबारा से डोम शेप्ड हो गया, कैविटी से फिर से हो गया, ये छोटी हो गई, यहाँ पर देख कैविटी कितनी छोटा है और यहाँ पर कितना बड़ा है, यहाँ पर रिलैक्स हो गया और एयर आपने एक्जेल कर दी। तो देखते हैं कैसे, अब जब रिब्स वापस आ गई, डायाफ्राम दोबारा अपने शेप पर आ गया, तो कैविटी के साइज क्या हो गया, छोटा। तो छोटा होने से प्रेशर क्या हो गया, एयर का ज़्यादा, कि हमने पढ़ा ही है तो कोई छोटी स्पेस है तो प्रेशर हाई है, कोई ज़्यादा स्पेस है तो प्रेशर लो है, और कैविटी छोटी हो गई तो प्रेशर क्या हो गया, हाई। लेकिन बाहर प्रेशर क्या है, एयर का कम, कौन सी एयर, पार्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज बहुत कम है, तो आपके बॉडी में तो प्रोडक्शन हो रहा है उसका, तो आपके बॉडी में प्रेशर आप CO2 क्या हो गया, हाई, और बाहर क्या है, कम। तो कोई भी चीज़ कहाँ से मूव करती है, नेचर का रूल क्या है, यही रूल है ना, जहाँ पर ज़्यादा है कहाँ से कहाँ मूव करेगी, जहाँ पर कम है। तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, हो गई एक्सपायरेशन, दिस इज व्हाट हम यही पर रहते हैं, एक्सहेलेशन क्या होती है। देखिए आप फिगर में देखिए, यहाँ जो देखिए चेस्ट का कैविटी का साइज आपके पास, आप इन कर और यह ब्रीथ आउट कर रहा है, अब ये ब्रीथ आउट आपने देखा कि डायाफ्राम दोबारा से क्या हो गया, लो से कैविटी के साइड फिर से छोटा, प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कम, एक्सहेल कर दिया हमने गैस को, सिंपल सा। आई थिंक यू गॉट इट, व्हाट इज एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखते हैं आप आगे और फिनोमिना क्या इन्वॉल्व है इस पे। नेक्स्ट वी हैव सेलुलर रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन में तो यही था, ब्रीदिंग, ऑक्सीजन कैसे आ रही है और ऑक्सीजन जा रही है, और सेल के लेवल पर क्या एक्टिविटी हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो सेलुलर रिस्पिरेशन एक्चुअली ये रिस्पिरेशन है सेलुलर लेवल,
कि सेल के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन का फंक्शन हो रहा है। देखिए कैसे होता है। अब O2 आपके अंदर नोज से नेजल कैविटीज, इस तरह की अब ये सब पढ़ चुके हैं, ब्रोंकाइल ब्रोंकिल्स, करते करते आप कहाँ पहुँच गए, एल्बुलाई तक पहुँच गए, कि यही तो है जहाँ लास्ट आपके ऑक्सीजन गैस को फंक्शनल। अब इसके पास क्या है, बहुत सारी कैपिलरीज। अभी आप इस फिगर में CO2 वाटर पेपर भूल जाएं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, सोचिए आप। O2 का सिर्फ ध्यान दीजिए, O2 इज लाइक इन द कंटेन। यहाँ अब यहाँ है ब्लड, ब्लड में O2 इतना नहीं है जितना कि एल्बुलाइन में है। नेचर का रूल क्या कहता है, कोई भी चूल चीज़ ज़्यादा है वह कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर कम है। ऑक्सीजन है ये ब्लड के अंदर, अब ब्लड के अंदर क्या होगा, इस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। आपको पता है रेड पिगमेंट ब्लड के अंदर होता है तभी तो रेड होता है। ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर जाने वाला जो ट्रांसपोर्टर है वो क्या है, हीमोग्लोबिन। इसके साथ कंबाइन करके एक पिगमेंट बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, एल्बुलाइन ऑक्सीजन ब्लड में ही, क्योंकि ब्लड कम थी, वहाँ से हीमोग्लोबिन ने पिक किया, इसको पिक करने के लिए क्या क्या किया, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ब्लड में आ गया हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ब्लड में फ्लो होता गया कॉम्प्लेक्स। अब ये ब्लड जब भी किसी बॉडी से पहुँचेगा एलगर किसी सेल के पास, तो सेल के पास ऑक्सीजन क्या होगी, लेस। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या होगी, मोर। कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ जाती है, मोर से लेस जाती है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स क्या होगा, टूट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में ही जाना है, हीमोग्लोबिन थोड़ा ना जाना है ब्लड के अंदर, गैसे डिफ्यूज करता है। तो ये ऑक्सीजन ब्लड बॉडी सेल के अंदर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉडी सेल के पास ऑक्सीजन आप देख सकते हैं। अब सेल इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, सेल के पास है फूड, ठीक है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जिससे हमारे पास क्या आएगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP और CO2 देन वाटर वेपर। ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, व्हाट इज इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब फूड का ब्रेकडाउन, बॉडी सेल ने यूज कर लिया ऑक्सीजन को। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, बॉडी सेल में क्या प्रोड्यूस हुआ, CO2। अब क्या ब्लड के अंदर CO2 उतनी है जितनी की बॉडी सेल के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। तो ये CO2 अगेन इन अकॉर्डिंग टू नेचर कहाँ पर जाएगा, ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड में कम है और बॉडी सेल में ज़्यादा है। अब इसको कौन पिक करके ले जाएगा, हीमोग्लोबिन, क्योंकि गैसेज के इधर से उधर पहुँचाने का काम किसको दिया गया है, हीमोग्लोबिन को। फिर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इस कॉम्प्लेक्स को बुलाएंगे कार्बिनो हीमोग्लोबिन। अब ये कॉम्प्लेक्स ब्लड के अंदर आ गया, अब ये कॉम्प्लेक्स जो एल्बुलाइन के पास जाएगा तो ब्लड के अंदर CO2 जाता है, जो एल्बुलाइन के आसपास ब्लड है, लेकिन एल्बुलाइन के पास क्या है, CO2 कम है, लेकिन बाहर से तो O2 आती है, CO2 तो आती नहीं। इन दिस कॉम्प्लेक्स विल ब्रेक, CO2 और हीमोग्लोबिन और अलग हो जाएंगे, और CO2 कहाँ चला जाएगा, एल्बुलाइन में, क्योंकि वही तो कम है, साथ में वाटर वेपर भी, और उसी रास्ते से, मतलब जो ओल से प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी, तो उल्टा रास्ता आप कर दें कह सकते हैं, ट्रेकिया फैरिंग्स नेजल कैविटीज नोज से होता हुआ, नोस्टिल से होता हुआ बाहर एक्जिल हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने बोला सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। हम देखते हैं आंसर हमारा आता है तो कैसे लिखेंगे उसको, सी द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई, सी द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई डिफ्यूजन इन टू द ब्लड ऑफ कैपिलरी एज ऑक्सीजन कंटेंटेड इन मोर देन एल्वोलाई एज कंपेयर टू ब्लड। एल्बुलाइज से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाता है, क्योंकि एल्बुलाइज में ज़्यादा और ब्लड में कम है, समझ चुके हैं आप। ये ब्लड के अंदर ये होमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी क्लियर अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ही कारण है कॉम्प्लेक्स बनाना। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ टूटा, टिश्यू के पास, बॉडी में बहुत सारे टिश्यू हैं, टिश्यू किससे बने हैं, थेल से ही बने हैं, इनडायरेक्टली सारी एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन सेल के अंदर चला गया, टिश्यू ऑब्वियसली सेल मेक टिश्यू, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूजन इनटू द सेल ऑफ टिश्यू, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड में ज़्यादा था और सेल में कम था, तो ऑक्सीजन यहाँ आया कॉम्प्लेक्स बना, और कॉम्प्लेक्स से कहाँ चला गया, छोटा कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन बॉडी सेल के अंदर आ गया,
अब सेल ने क्या किया उस ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड को तोड़ा, उससे क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द कैपिलरीज, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल में ज़्यादा है और ब्लड के अंदर क्या है, लेस है ब्लड के अंदर। जब यहाँ पर ब्लड में आई, फिर ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर ली, फिर क्या कॉम्प्लेक्स बना, कार्बिनोलो होमोग्लोबिन। फिर ये कॉम्प्लेक्स का कहाँ टूटा, जाके एल्वोलाइज के पास, क्योंकि एल्वोलाइज के पास ज़्यादा कंटेंट नहीं था कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्लड कैपिलरी में कंटेंट क्या था, ज़्यादा। और फिर से सेम पैसेज से CO2 को हमने एक्जेल कर लिया। दिस इज व्हाट इज सेलुलर रिस्पिरेशन। नाउ वी लर्न हैव ए क्लास ऑफ आप रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर आल्सो। हमारे पास बहुत सारे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लाइक वन ऑफ इट इज एम्फीसीमा। एम्फीसीमा कैसा डिसऑर्डर है, जैसे कुछ लोगों को, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें हैं जो लोग खाते हैं, उससे क्या होती है, ये चीज़ें जो है ना, जो हमारे एल्बुलाइन होती है, उसकी जो टॉक्सियंस है, हार्मफुल चीज़ें, वो एल्बुलाइन ऐसे करने लगती है ऐसे, और टाइम के साथ इनका कंटेंट बढ़ता रहता है। और ये जो इतने सारे चीज़ें, मतलब टॉक्सिन जो जला है, ये घेर लेंगे, तो एल्बुलाइन ऑक्सीजन को जो कैरी कर पाएंगे, उसकी जगह तो बहुत कम रह जाएगा, ठीक है। अब अगर एल्बुलाइन के लिए ऑक्सीजन आएगा तो वो जाएगी भी कहाँ, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को चाहिए ना, तो वो दिस इज कॉल्ड एज एब्सिसी। इसको हम क्या कह सकते हैं, एब्सिसी में कैसा डिसऑर्डर है, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और जो होते हैं दे सफर फ्रॉम रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उनको रिस्पिरेशन के अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, सांस लेने में दिक्कत, जैसे अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको क्या होता है, एलर्जी होता है, वो एलर्जी वाली चीज़ें यहाँ एक्यूमुलेट हो जाती है, तो ये भी जो एल्वेओलाई की ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। अब ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये हेल्दी लंग्स है, जो इस साइड पर आप देख पा रहे हैं, दिस इज हेल्दी लंग्स, ये कौन सा एफिशिएंट, आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंस है इसके अंदर, इसके ऑक्सीजन कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी कि हेल्दी लंग्स की होती है, ठीक है। अब हमने रिस्पिरेशन पूरा, ह्यूमन रिस्पिरेशन पूरा पढ़ लिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लांट इंस्पायर करता है, तो जीने के लिए तो सबको हम डिस्कस कर चुके हैं, रिस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट भी इंस्पायर करता है, ठीक है। तो प्लांट का क्या है, प्लांट के अंदर कौन एक और प्रोसेस होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक। प्लांट के अंदर एक और प्रोसेस होता है जिसको आप, रिस्पिरेशन तो होता ही होता है, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेटिक सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, मतलब जब सन होता है तब फोटोसिंथेटिक होता है, लेकिन जब डार्क होता है, रात होती है, तब फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, ठीक है। तो जब प्लांट में फोटोसिंथेटिक होता है तब रिस्पिरेशन नहीं होगा। हमने फर्स्ट यूनिट में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया फोटोसिंथेटिक के बारे में, जब प्लांट के अंदर रिस्पिरेशन होगा तो फोटोसिंथेटिक नहीं होगा। रिस्पिरेशन के लिए दिन और नाइट का कोई इशू नहीं है, रेस्पिरेशन हर समय हो सकता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बड़ा इशू है, फोटोसिंथेसिस के लिए सब इम्पोर्टेंट है, क्लियर है कि प्लांट को रिस्पायर करना पड़ता है, ठीक है। बट इन डे टाइम वी कैरी आउट फोटोसिंथेटिक, और फोटोसिंथेटिक में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, फोटोसिंथेटिक वन ऑफ द रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन पढ़ा तो उसमें अंदर हमने ये पढ़ा कि फोटोसिंथेटिक में हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन गैस एक्जेल करते हैं, ठीक है। ये जो आपको पता ही है कि फोटोसिंथेटिक प्लांट का ही एक एक्टिविटी है, ह्यूमंस की नहीं है, वी कान डू फोटोसिंथेटिक। अगर आपको कुछ इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन आप पक्का देखिएगा, उसमें फोटोसिंथेटिक वाले पार्ट में फोटो कर सकते हैं। तो प्लांट को फोटोसिंथेटिक करना पड़ता है, और फोटोसिंथेटिक के लिए CO2 गैस लेते हैं और CO और ऑक्सीजन देते हैं, आप देख सकते हैं, बिकॉज द रिस्पिरेशन इनहेलिंग द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेटिक, वी आर इनहेलिंग नॉट द प्लांट, दे आर इनहेलिंग CO2 एंड गिविंग आउट सी ऑक्सीजन। तो दिन में तो हो गया फोटोसिंथेटिक, रात को प्लांट क्या करते हैं, कभी उनको गैस एक्सचेंज तो चाहिए, तो प्लांट क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, विच इज सिमिलर टू, मतलब ऑक्सीजन लेना, CO2 एक्जेल करना। अब जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, तो ये कितना सुंदर प्लांट लगा हुआ है,
ये भी सेम इसी तरीके से डे में क्या करता है फोटोसिंथेटिक, नाइट में क्या करता है रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेटिक से खाना बन जाता है, रिस्पिरेशन उसको जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। और प्लांट जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्लांट को ड्राई किया कुछ लार्ज ऐसे, ये तो है नहीं, ये तो आपको पता ही, अभी तो हमने पढ़ चुका है प्लांट के अंदर ये सब चीज नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये है कि प्लांट कैसे रिस्पायर करता है, क्या ये सरफेस से कर दिया कोई ऑर्गन है, क्या ये इनके अंदर क्या है, तो प्लांट के अंदर रिस्पायर करने वाला क्या है कुछ चीजें। पहला पहला है स्टोमेटा, हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है, एक टाइनी पोर होता है जो कि एडिटल में इस्तेमाल होता है प्लांट की। देखिए अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखें तो प्लांट का आउटर लेयर इस तरीके से है, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं एपिडर्मिस, आउटर लेयर इज एपिडर्मिस। इसके ऊपर एक पतली सी लेयर होता है, पतली सी लेयर आप देख रहे आप कह सकते हैं वो लेयर कहीं कहीं सब अब कहीं कहीं अब्सेंट भी है। इस लेयर को हम क्या बुलाते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल बिल्कुल सही। वही लेयर जो आपने आउटर लेयर हमारे मतलब स्किन के ऊपर जो इसको क्यूटिकल लेयर, प्लांट में भी सेम वैसा ही है। अब यहाँ पर क्यूटिकल कहीं कहीं एब्सेंट है, जहाँ पर एब्सेंट है वहाँ पर पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और पोर लाइक स्ट्रक्चर को आप देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, मैं भी एक बार आपको बनाकर दिखाते हैं इस तरीके से, राइट। इन सेल्स को हमने नाम दे दिया, मतलब हमने क्या नाम दे दिया, इनको बुलाते हैं कर्व सेल्स, क्या बोलते हैं कर्व सेल्स। और ये जो बीच में टाइमिंग पोर ओपनिंग दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स। अब जो गट्स है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेटिक में हेल्प करता है। यहाँ पर न्यूट्रिशन को हम नहीं पढ़ेंगे दोबारा, तो आपको प्रॉब्लम हो तो आप फर्स्ट न्यूट्रिशन में थोड़ा सा आप क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन रिस्पिरेशन से है कि प्लांट स्टोमेटा की प्लांट के अंदर कैसे रिस्पिरेशन करता है। ये जो पोर्स है ये जो ओपन में क्लोज होता है अकॉर्डिंग टू सनलाइट अकॉर्डिंग टू वाटर कंटेंट, जब ये पोर ओपन या क्लोज होगा तो उस हिसाब से गैसेज अंदर बाहर एक्सचेंज होते होते, ऑब्वियसली कोई पोर है तो गैस अंदर जाएगी या गैस बाहर जाएगी, एक्सचेंज होगा ही क्योंकि गैसेज के अमाउंट का डिफरेंस रहेगा। आप देख सकते हैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे हम कह सकते हैं स्टोमेटा एक टाइनिक पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एपिडर्मिस में होता है, जो कि किसमें हेल्प करता है गैसेज एक्सचेंज में, किससे बना होता है गॉड सेल्स में, इसके बीच में एक पोर होता है, ये पोर ओपन और क्लोज होता है जैसा कि फिगर में दिख रहा है, और इसी से गैस का एक्सचेंज होता है। देयर आर पार्टिकुलरली यू कैन सी थ्री टाइप ऑफ, यू कैन सी द स्ट्रक्चर थ्रू विच एक्सचेंज अकर, स्टोमेटा न्यूमेटोपोल्स एंड लेंथी सेल्स। इन तीनों को आपके सिलेबस में जिसको हमें पढ़ना है ये तीन चीज़ें क्या होती है और कैसे प्लांट्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज कराता है। दूसरा हमारे पास है न्यूमेटोपोल्स। न्यूमेटोपोल्स क्या होता है, ये स्पेशल रूट्स होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं जो प्लांट से लाइव वाटर में ग्रो होता है उनके अंदर एक स्पेशल तरह के रूट होते हैं जिनको ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं, आप कहते हैं उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। अगर आप प्लस वन और प्लस टू में मेडिकल भी करते हैं तो आप बहुत कुछ पढ़ेंगे इनके बारे में, पर अभी ये इस स्टेज पर यू जस्ट नीड टू मोर व्हाट इज न्यूमेट्रोपोल्स, सो दीज आर जस्ट ब्रीदिंग रूल्स, स्पेशल तरह के रूल्स जिसके अंदर पोर्स है और किसके अंदर इन प्लांट्स में, सब प्लांट्स में नहीं है, कुछ प्लांट में विच ग्रो लाइन्स वाटर। तीसरा हमारे पास है लेंथी सेल्स। लेंथी सेल्स क्या होता है, जो बात आपने की थी जो ट्री की बात होता है उसमें छोटी छोटी थोड़ा सा आप कह सकते हैं लूजली अरेंज सेल्स होते हैं, ओपनिंग्स होती है, उनको हम बोलते हैं लेंथी सेल्स। उनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। ये जो आप देखिए बाग कितनी थिक होती है, क्या प्लांट के ऊपर अगर बाग आ जाता है तो प्लांट ग्रो होता है फिर ग्रीन होता है फिर इसके स्किन बाद में चेंज होता है, इसका मतलब उतनी थीक लेयर के अंदर गैस कैसे जाएगा, तो वहाँ पर लेंथी सेल्स हम प्रयोग करते हैं। वहाँ पर लूजली अरेंज मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बार्क ऑफ ट्री जिसके थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो स्टोमेटा न्यूमेटोफोर्स लेंथी सेल्स देविंग गैस एक्सचेंज, यू कैन गेट दिस थ्री इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्वेश्चन, आप देख सकते हैं।
यू कैन गेट द क्वेश्चन. नाउ लेट अस सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड रिस्पायरेशन. जैसे कि अभी हमने बात की, प्लांट फोटोसिंथेटिक दिन में करता है और रात को रिस्पायरेशन करता है, तो फर्क क्या है इन दोनों चीज़ों में. फोटोसिंथेटिक एक एनाबॉलिक प्रोसेस है. एनाबॉलिक प्रोसेस वर्ड हमें न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था. एनाबॉलिक का मतलब है जिससे अंदर किसी चीज़ का सिंथेसिस हो. और आपको पता है कि फोटोसिंथेटिक का मतलब ही क्या है. लाइट के प्रेजेंट में सिंथेसिस. किस चीज़ का फोटोसिंथेटिक कहते हैं? फूड का. प्रेजेंट तो फूड ही है हमारे पास, तो फोटोसिंथेटिक में कोई चीज़ बढ़ रही है. रेस्पिरेशन क्या है? क्या पर हमने ब्रेक डाउन ऑफ फूड, तो ये क्या हो गया? कैटाबॉलिक. जो एक्टिविटीज में किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो उनका एक्टिविटी को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक. जिसमें कोई चीज़ बने हैं उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक. तो हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक एक एनाबॉलिक है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक है. फोटोसिंथेटिक में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी जो होता है इट लिवरेज, आप देख सकते हैं इसको हम यूज कर सकते हैं अलग अलग अपने बॉडी के एक्टिविटीज के लिए. प्लांट्स कुछ और अपने एक्टिविटी के लिए दे कैन यूज. फोटोसिंथेटिक एक स्पेसिफिक बात है कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. अगर एक डे टाइम पर रिस्पिरेशन तो हर टाइम होता है. अपने अंदर ही देखिए क्या आप रात में कर सकते हैं, दिन में सब यू कैन डू एट एनी टाइम. फोटोसिंथेटिक में जब गैस इनहेल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं CO2 और एलिवेट करते हैं ऑक्सीजन. रिस्पिरेशन तो अभी हमने काफ़ी पढ़ चुके हैं. O2 गैस इनहेल करता है और CO2 एक्सहेल करता है. फोटोसिंथेटिक होने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का होना बहुत ज़रूरी है प्लांट के अंदर. तभी सारे प्लांट फोटोसिंथेटिक कभी नहीं कर पाते हैं. जैसे कि हमने न्यूट्रिशन के हमने एग्जांपल लिया था ऑटोट्रॉप्स का, तो हमने बोला था ऑल ग्रीन प्लांट दे कैन फोटोसिंथेसाइज बिकॉज दे हैविंग फोटोसिंथेटिक इन नाइट. क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, सनलाइट में तो आप भी जाते हैं, आप क्यों नहीं फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं? इसीलिए आप फ्रेंड से पूछें, आप भी तो सनलाइट में जाते हैं, कि आपकी अपनी बात करो, आप भी सनलाइट में जाते हैं, आप फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर लेते हैं? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है. हमारे अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है जो सूरज एनर्जी को कुछ केमिकल में कन्वर्ट कर पाए. लेकिन हमारे अंदर ऐसा पिगमेंट होता तो हम भी अपना खाना बॉडी में बना लेते. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो पिगमेंट सनलाइट को अट्रैक्ट कर लेता, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता अंदर, और खुद हमारा भी आदत तरफ हो जाता दैट वी हैव सच दैट पिगमेंट. इसीलिए फोटोसिंथेटिक होने का नेसेसरी कंडीशन है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि वही तो सूरज एनर्जी को ट्रैक करेगा. आपके अंदर थोड़ा ना कोई चीज़ ट्रैक करने के लिए, राइट? अगर हम रिस्पिरेशन की बात करें तो रिस्पिरेशन में ऐसा कोई पिगमेंट की जरूरत नहीं है. हर तरह के सेल रिस्पायर कर सकता है क्योंकि सेल को रिस्पायर करना ही पड़ता है अपनी एक्टिविटीज को चलाने के लिए, क्योंकि एनर्जी को तो रिस्पिरेशन से ही आएगी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड रिस्पिरेशन. नाउ लेट अस स्टार्ट फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर. पहला क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं, डायरेक्ट रिस्पिरेशन एंड इनडायरेक्ट रिस्पिरेशन. पहला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट रिस्पिरेशन का मतलब है इन दिस गैसेज एक्सचेंज अकर डायरेक्टली अकर थ्रू बॉडी सेल्स. मतलब एक सेल है उसी से गैस बाहर जा रही है और उसी से अंदर आ रही है. इनडायरेक्ट का मतलब है विच इज डन बाई, मतलब ब्लड लेकर आता है और फिर ब्लड से, सपोज ये सेल कह दे तो ब्लड लेकर आ रहा है, फिर ब्लड से ये ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, फिर ये CO2 इसमें डाल रहे हैं, फिर ये ब्लड लेकर जा रहा है. मतलब ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है. दैट इज इनडायरेक्ट रिस्पिरेशन. डायरेक्ट डिफ्यूजन से होता है, इनडायरेक्ट में हमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन का ऑर्गन जरूरी है, तो सेल तो डिफ्यूजन ही रहता है. मतलब गैसेज का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर, बट स्पेशल ऑर्गन आर इन्वॉल्व. डायरेक्ट में ब्लड का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में आपने देखा कि ब्लड का इन्वॉल्व तो है ही. बॉडी तो कॉम्प्लेक्सेज बनाने में गैस का ला रहा है और ले जा रहा है. डायरेक्ट रिस्पिरेशन अकर इन लाइक एमीबा, इनडायरेक्ट एग्जांपल मैन. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन रिस्पिरेशन प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, बहुत मेजर आप कह सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है कि प्लांट और एनिमल्स की रिस्पिरेशन में क्या फर्क है. प्लांट में डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट यू कैन सी.
सेपरेटली या अपना अपना रूट के अंदर कोई स्ट्रीम के अंदर कोई चीज़ लीप के अंदर कोई कुछ और बात स्टोमेटा तो ये रिस्पायर कर रहा है, लेकिन एनिमल के अंदर रिस्पिरेशन ह्यूमन की तरह होती है। आप तो रिस्पिरेशन आप देख सकते हैं